हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड डेटा को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें तीन टर्म्स देखने को मिलेगा, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। तो पोमोलॉजी का रिलेशन अगर देखें तो पोमोलॉजी का रिलेशन होता है फ्रूट्स के साथ, वही ओलेरिकल्चर रिलेटेड टू वेजिटेबल्स एंड फ्लोरिकल्चर रिलेटेड टू फ्लावर्स। आगे देखते हैं, कुल प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, किसकी, फ्रूट्स की। फ्रूट्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है, तो ये हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में और तीसरे नंबर पे यूपी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, नंबर वन पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे यूपी इन टर्म्स ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन। वहीं अगर देखें वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में, तो वेजिटेबल के प्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा सबसे रैंक वन पे है यूपी, दूसरे रैंक पे वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। आप यहाँ पे पाई चार्ट पे देख सकते हो, रैंक वन पे यूपी, रैंक टू पे वेस्ट बंगाल और रैंक थ्री पे मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, मैंगो के प्रोडक्शन में नंबर वन पे यूपी है, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बिहार है। वही अब बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे अगर फ्रूट्स के प्रोडक्शन में देखें तो नंबर वन पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। ये सारे आपको पाई चार्ट में देखने को मिले, नंबर वन पे चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया। चाइना 31% ऑफ फ्रूट्स का प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड लेवल पे। विश्व में सब्जी की बात करें तो विश्व में सब्जी सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे नंबर पे इंडिया कर रहा है। वही बात करें अमरूद के प्रोडक्शन में, अमरूद के प्रोडक्शन में गोवा के प्रोडक्शन में नंबर वन पे यूपी है। वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें सेब के प्रोडक्शन में, तो सेब के प्रोडक्शन में नंबर वन चाइना है, इतना याद रखो बस। वर्ल्ड लेवल पे अगर बनाना के प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे नंबर वन पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया, दूसरे नंबर पे चाइना। ग्रेप्स के प्रोडक्शन की बात करें तो ग्रेप्स के प्रोडक्शन में भी नंबर वन पे चाइना है। विश्व में पोटैटो के प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर वन पे चाइना है, दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया है। बगानी फसलों काजू की बात करें तो नंबर वन पे महाराष्ट्र है प्रोडक्शन में। नारियल के प्रोडक्शन में नंबर वन पे केरला है। वहीं बात करें काजू के प्रोडक्शन में, पाई चार्ट में आपको देखने को मिलेगा नंबर वन पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। फल, सब्जी और मसालों एवं बागानों के फसलों में तीनों में सबसे अग्रिम उत्पादक देश। तो अगर देखें केला के प्रोडक्शन में नंबर वन पे इंडिया है, अमरूद आम के प्रोडक्शन में इंडिया है नंबर वन पे है, पपीता के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर वन पे है, वहीं भिंडी के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर वन पे है। तो नंबर वन पे कहाँ कहाँ है वो आप मोटा मोटी याद रखो बस, सब कुछ तो याद करना मुश्किल है। कुल फलों के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश नंबर वन पे है, केला के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश नंबर वन पे है, आम के प्रोडक्शन में नंबर वन पे यूपी है, अमरूद के प्रोडक्शन में भी आपको पता है यूपी नंबर वन पे है, मस्क मेलन के प्रोडक्शन में यूपी नंबर वन पे है। वहीं बात करें टोटल सब्जी के प्रोडक्शन में भी यूपी नंबर वन पे है, आलू के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है यूपी। तो ये था हमारा हॉर्टिकल्चर डेटा जो इम्पॉर्टेंट था, हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिस्कस किया, बाकी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा और मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं लाइफ स्टॉक सेंसस की, तो जो सेंसस हुआ है उसके हिसाब से देख लेते हैं कैटल्स के संख्या का। तो कैटल की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, और दूसरे नंबर पे यूपी है। तो आपको याद रखना है दूसरे नंबर पे यूपी है इन टर्म्स ऑफ कैटल्स। बफेलो के टर्म्स की बात कर ले, बफेलो में नंबर वन कौन है, बफेलो के नंबर्स में नंबर वन यूपी है, दूसरे नंबर पे आपको राजस्थान देखने को मिलेगा और तीसरे पे गुजरात। तो आप पहला याद करो बस। आगे देखते हैं कुल पशुधन, टोटल लाइफ स्टॉक की बात करें तो टोटल लाइफ स्टॉक में भी आपको यूपी नंबर वन पे देखने को मिलेगा।
दूसरे नंबर पे आपको राजस्थान देखने को मिलेगा और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। कुल पशुधन यहाँ पे भी पाई चार्ट में वही समझाया गया। शीर्ष 5 अंडा प्रोडक्शन, मतलब कि एग प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। वहीं बात करें ऊन के प्रोडक्शन में, वुल के प्रोडक्शन में, तो रैंक 1 पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर और तीसरे पे तेलंगाना है। मीट के प्रोडक्शन की बात करते हैं, मीट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। वहीं फिशरीज के प्रोडक्शन में देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। ये इंपॉर्टेंट है आपको, फिशरीज के प्रोडक्शन में नंबर 1 आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। शीर्ष 5 मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे राजस्थान है। बात कर लेते हैं सिल्क की, तो सिल्क के प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क या फिर रेडिंग ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर, ये आप लोगों को पता है। आपको ये भी पता होगा कि चाइना रैंक 1 में है और इंडिया रैंक 2 पे इन टर्म्स ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। मोटा मोटी अगर देखें तो हमारे पास 4 टाइप के सिल्क होते हैं। फर्स्ट वन इज मलबरी, सेकेंड वन इज तसर, तीसरा इरी और चौथे नंबर का मूंगा। ये 4 टाइप के हमारे पास सिल्क होते हैं। इंडिया का प्रोडक्शन अगर देखें तो नंबर 2 पे है, फर्स्ट पे चाइना है। बात कर लेते हैं अब मलबरी के प्रोडक्शन में, मतलब मलबरी को हिंदी में कहते हैं शहतूत रेशम, तो वहाँ पे कौन है नंबर 1 पे? कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे वेस्ट बंगाल है। आपको पहला याद कर लो आप, मलबरी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कर्नाटक है, आप इतना याद रखो। फिर देखते हैं तसर के प्रोडक्शन में, तसर जो टाइप है एक सिल्क का, उसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है? झारखंड है। वही बात करें इरी के प्रोडक्शन में, नंबर 1 पे असम एंड बोडोलैंड। आगे देखते हैं मूंगा के प्रोडक्शन में, नंबर 1 पे फिर से असम एंड बोडोलैंड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अब कुल रेशम के उत्पादन में, टोटल अगर देखें तो नंबर 1 पे आपको फिर से कर्नाटक नजर आएगा, दूसरे पे आपको आंध्र प्रदेश और तीसरे पे असम एंड बोडोलैंड। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टोटल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो नंबर 1 पे कर्नाटक हो जाएगा, दूसरे पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तीसरे पे असम एंड बोडोलैंड। तो गाइस ये हमारा हॉर्टिकल्चर डेटा था। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारा जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको डिलीवर करते चला जाऊँगा। तो गाइस अभी के लिए थैंक्स ऑल।